पहले थोड़ा सा कुछ जिक्र का बताएं ना, ये जिक्र चीज़ क्या है? अल्लाह ताला ने कई मज़हब बनाए, तौरात भी, जबूर भी, अंजील भी, कुरान मजीद भी। अब हम लोग इनको जुटलाते हैं, तौरात जबूर को जुटलाते हैं। हज़ूर पाक ने फरमाया मैं इनको जुटलाने के लिए नहीं आया, मैं इनकी तसही करने के लिए। आपने तो ये कहा, आप लोग उसको जुटला रहे हैं। अब जिस तरह वो मज़हब उनमें से अर्क खाली हो गया, इसी तरह जो तुम्हारा मज़हब है ना इस्लाम का, उसमें से भी अर्क खाली हो गया। ये समझे, आप यहूदी को, ईसाई को, मुसलमान को, सब मज़हब वालों को खड़ा करके देखें, सिर्फ ज़बानों का फ़र्क लगेगा, सीनों में सारे एक, अंदर से सारे काले। यही बात है ना, ज़बान से फिर तोते ही हुआ ना, ये कबूतर हुआ ना। अल्लाह कहता है ना शक्लों को देखता हूँ, ना अमलों को देखता हूँ, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूँ कि एक मुठ है या एक बालिश्त है, मैं इसको नहीं देखता, मैं तेरे कलब और नीयत को देखता हूँ। जिसको अल्लाह देखता है वो तो सब के ही काले हैं ना भाई, ईसाई का भी काला है दिल, मुसलमान का भी काला है, यहूदी का भी काला है। तो फिर सही कौन है? सही वो है जिसका अंदर सफ़ेद है, जिसके अंदर नूर है, वो सही है ना। अब आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप इसको समझे ही नहीं। कुरान में कहीं नहीं लिखा तू नमाज पढ़, कुरान में लिखा तू नमाज कायम कर। वो कायम का लिखा हुआ है ना, तुम तो पढ़ते हो ना, जब पढ़ते थे उस वक्त मोमिन थे ना, जब छोड़ के चले गए कारोबार में लगते थे वही फ्रॉड शुरू हो गया ना। जब पढ़ते थे उस वक्त मोमिन था ना, 10-15 मिनट के लिए तू मोमिन बना ना, उसके बाद तू फ्रॉडी है ना। तो वहाँ लिखा पढ़ नहीं कायम कर, ये नमाज तेरे अंदर जाए, जब ये तेरे अंदर जाएगी ना तो तू पढ़ रहा होगा तब भी मोमन, तो घूम रहा होगा तब भी मोमन, तो कारोबार कर रहा होगा तब भी। उनका जिन, वली जिन, वो तख्त को उठा के ले आया था ना, ताकत थी तो ना, अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं तो तुमसे वो बेहतर है ना, अगर तुम में वो ताकत नहीं है तो तुमसे वो बेहतर है ना। इस वक्त हर मज़हब क्या, इस वक्त मुसलमान भी अपने मज़हब से मशकूक है, इसके पास सिर्फ एक कुरान मजीद है ना, सिर्फ कुरान मजीद है ना, ला रहा है मैं शक नहीं है ना। तो कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं, इस वजह से मुसलमान का मज़हब भी मशकूक हो गया। जब ये सारे मज़हब मशकूक हो गए, तुम्हारा मज़हब मशकूक हो गया ना, 72 फिरके बन गए ना, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कह रहे हो ना, तो जब ये सारे मज़हब मशकूक हो गए तो अल्लाह ताला ने एक और इलम भेज दिया। उस इलम को कोई भी मशकूक नहीं कह सकता है, कोई फिरके वाला, कोई मज़हब वाला उसको मशकूक नहीं कह सकता। वो इलम अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए रखा हुआ था, ख़ास ख़ास को देता था, जिनको वो देता था वो ख्वाजा साहब बन जाते थे दाता बादशाह। अब ख्वाजा साहब तो गलत नहीं हो सकते, उनके पास वो इलम था ना, दाता साहब भी गलत नहीं हो सकते, वो इलम था ना। तो जिनके पास वो इलम नहीं है ना, तो वो तो 72 फिरकों में तकसीम हो गया। अब वो इलम जो ख्वाजा साहब और दाता साहब को मिला करता था, वो इलम अल्लाह ताला ने आम कर दिया। उस इलम को आम कर दिया कि जो भी वो इलम हासिल कर जाए तो बस उनके ख्वाजा साहब तो नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। इलम तो वही है ना, वो दाता साहब नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। वो नक्शे कदम पे तो चला गया ना, सरते मुस्तकीम, मुस्तकीम पे तो चला गया ना। वो इलम क्या है? वो किसी मज़हब में नहीं है ना, वो जो इलम है। क्योंकि यहूदी का और मज़हब है, ईसाई का और मज़हब है,
मुसलमान का और मजहब है, अल्लाह का और मजहब है। भाई अल्लाह का नमाज नहीं पढ़ता ना, अगर मजहब होता नमाज भी पढ़ता ना, रोजे रखता, दाढ़ी भी रखता ना, इसका मतलब है उसका मजहब कोई और है। बहुत ही मुश्किल मजहब है, अगर मिल जाए तो बहुत ही आसान है। अल्लाह का मजहब इश्क है और इश्क हर किसी के लिए है। हाँ वो मजहब में है या गैर मजहब में है, वो हर किसी के लिए इश्क जो अल्लाह का इश्क है। जब इन मजहबों में इश्क था तो ये अल्लाह के नजदीक थे, जब मजहबों से इश्क गया तो अल्लाह से दूर हो गया ना, और फितना खड़ा हो गया ना। अब वो इश्क क्या है, वो जो ख्वाजा साहब दाता साहब ने वो कौन से इल्म सीखा? ये इल्म जहर तो शहरों में मदरसों में पढ़ाते हैं ना, तो फिर जंगलों में क्यों गए? वहाँ फिर कोई और इल्म था ना। उन्होंने कुछ अरसा रहबानियत इख्तियार करी ना, अब तुम कहती हो इस्लाम में रहबानियत ही नहीं है, यही कहती हो ना, तो वो क्या लोग इस्लाम में नहीं थे? उन्होंने कुछ अरसा रहबानियत इख्तियार करी, फिर दाता और ख्वाजा बने। अच्छा वो है अल्लाह का मजहब क्या है, वो इश्क है। इश्क आता कैसे? ये जो इबादत वाले हैं ना, ये आप तस्बीह करेंगे, अब तस्बीह के साथ अल्लाह क्यों बुलाते हैं? बगैर तस्बीह के भी अल्लाह हो सकती है ना। हमारे काबर ने क्यों बताया, जिस तरह पानी पानी से टकराता है बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है चिंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता तो नूर बनता है। लेकिन वो नूर उंगलियों में ना, वो अंदर तो नहीं है ना, इबादत है ना, रूहानी तो नहीं है ना। कुछ लोग जबान से अल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते तलावत करते हैं, इनमें सब में नूर है, लेकिन अंदर जाए तो मुस्तफीज हो ना, वो तो जबान से बारी बार है ना। अगर काम आया तो योम मैशर में काम आएगा ना, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है ना। जब नमाज पढ़ी थी उस वक्त मोमन था, जब तलावत करी थी उस वक्त मोमन था, अब तो फारग है। जब उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया, जो दम गाफिल सो दम काफिल। अल्लाह, जब तू फारग है तो मेरे काफिर में क्या फ़र्क है, ना वो चमक रहा ना तू चमक रहा, वो भी फारग तू भी फारग। जब नमाज पढ़ रहा था उस वक्त मुसलमान नजर आता था ना। इसी तरह की एक तस्वीर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने फिट कर दी है, वो हर वक्त करती है टिक टिक, ये तुम्हारा दिल है टिक टिक टिक, ये तस्बीह है, ये तुम्हारे दिल की तस्बीह है। जब इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, फिर जो अल्लाह अल्लाह का नूर बनता है तो वो उंगलियों में नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, वो सीधा खून में चला जाता है। दूध दूध ही है, रगड़ा लगता है तो मक्खन बनता है ना, जिक्र जिक्र ही है, रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। जब वो अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा ना अंदर, दिल की धड़कने पुकारी अल्लाह 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 अल्लाह, वो फिर नूर बना तो वो खून में गया ना, खून से होते हुए वो नसों में पहुंच गया ना। तुम्हारी रूह तो नसों में है ना, तो नसों से होते हुए रूह तक पहुँच गया ना। जब रूह तक पहुँच गया तो रूह बेदार हो गई ना, उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी ना, फिर तू सोते रहना ना और तेरी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। तू कब्र में भी चला जाना, वहाँ भी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, और यौमे मैशर में भी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, क्योंकि मैदान अमल ये है, यहाँ इसने अल्लाह अल्लाह सीखी वहाँ भी अल्लाह अल्लाह करेगी, और जो यहाँ अंधे वो वहाँ भी अंधे। यह हदीस शरीफ में हम किसी फिरके की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इश्क की बात कर रहे हैं, उस नूर की बात कर रहे हैं जिसको काफिर भी कहता है कि नूर होता है। जब वो तेरी रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह का नूर तेरे दिल में इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो रूह है अल्लाह अल्लाह के नूर से उसकी भी परवरिश होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी परवरिश शुरू होना हो जाएगी तो तेरे जिस्म में कोई एक रूह नहीं है, सत रूह हैं, इनके बकायदा नाम है कलब रूह सिरी फफी अख्फा अन्ना नफ्स। एक रूह है जिसको नफ्स बोलते हैं, वो ख्वाब में बाहर निकलती है, वो शैतानों में जाती है, घूम फिर के वापस आ जाती है। अब तेरे अंदर एक रूह जो है वो मनोवर होगी, वो नूर ही होगी, इसमें ताकत आ गई। अब जब इसमें ताकत आ गई तो ये यहाँ से निकली तो सीधी नूरियों में चली गई ना।
भाई तू चल काफूर सही, लेकिन तेरी वो तो नूरी होगी ना, वो तो नूर चली जाएगी ना, तो फिर वो नूर रू देखेगी ना, जहाँ सारे वली नबी जिसके आगे झुकते हैं वो भी उसी के आगे झुक जाएगी ना। क्यों भाई? उसी, क्योंकि वहां पौन ये देख लिया ना उसने, मुकामे मुशाहिदा हो गया ना, तो फिर वो उसी के आगे झुकेगी जिसके आगे सारे नबी झुकते हैं ना। बनकर मस्त मदद रहेंगे, गौर तेरे संग रहेंगे, शैतान हमसे तंग रहेंगे, गौर तेरे संग रहेंगे। अब तू यहां देव बंदी है या मर्जी है या सिख है, तेरा जिस्म है, तेरा जिस्म है सिख है या ईसाई है, लेकिन जब तेरा जिस्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर तू क्या है? वो तेरे जिस्म से सही था, तू तो नहीं है ना, वो जो तेरे अंदर है वो तो नहीं है ना, वो तो अब नूरी हो गया ना, वो तेरी ईसाई सिखियत यहीं चली, खत्म हो गई और तेरी रूह ऊपर चली गई और वो नूरियों में मिल गई ना, फिर वो तो नूरियों में मिल गई ना। और जब वो अपना था असन अब्दाल में क्या नाम, गुरु नाम, वो अपनी इबादत करता, सिखों वाली इबादत करता, लेकिन किसी दरवेज ने उसको अल्लाह भी सिखा दिया कि तू इश्क पैदा कर, उसके अंदर इश्क भी आ गया और सिख भी, इश्क भी और सिख भी, इश्क भी। उसने कहा मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा, दरवेज ने कहा नहीं छोड़, अल्लाह को तो मानते है ना, हम अल्लाह को तो मानते, बस अल्लाह अलग कर, वो अल्लाह अलग कर अगड़ा लगाया ना उसके अंदर, तो नूर आ गया, इश्क आ गया। जब इश्क आ गया तो मुसलमान कहते ये तो हमारा इश्क है, मुसलमान की बू आती है, वली की बू आती है, सिख कहते ये तो हमारा, उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई, सिखों ने कहा हमारा, हम लाश लेके जाएंगे, मुसलमानों ने कहा नहीं हमारा, हम लाश लेके जाएंगे, अंग्रेज था, अंग्रेज ने कहा लड़ो नहीं, इसको चारपाई के ऊपर डाल दो, चारपाई को उठाओ, ये जिधर गिर गया है उनका, और जब चारपाई उठाई ना तो ना इधर गिरा तो ना उधर गिरा, तो बीच में देखा तो बीच में कौन ही, वो किधर गया, वो जिसका था उधर चला गया ना। भाई वो अल्लाह का था, लिखते चले गए ना, सिखों का ना मुसलमानों का। जब तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी, कोई भी चीज दिल में बस जाए ना, उससे मोहब्बत हो जाती है, कोई भी चीज अल्लाह को हर मज़ वाला मानता है, हर फिरके वाला मानता है, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगेगा, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत करते हैं मकार होते हैं, ये जो जुबान से कहते हैं हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत, मकार है, मोहब्बत की थोड़ी जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है। यार तू उनको देख, देखने से मोहब्बत आएगी, अगर देखेगा नहीं तो उनके नामों को अपने अंदर समाना पड़ेगा ना। जब 24 घंटे अल्लाह 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 से मोहब्बत होगी, जब अल्लाह से होगी अल्लाह के हबीब से भी होगी, वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। जब इस दिल में अल्लाह आया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई, अल्लाह किसी का एहसान लेता नहीं है, उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लुटाता है ना, भाई एहसान माने तो 9 रुपये फालतू क्यों दे दे, वो हाँ इस एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब मोड़ दे देता है, अब हाजत नहीं उसके लिए एहसान, एक एक खर्च किया 10 का जो, थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है फिर उसको एक दिन देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है, और जिस दिन अल्लाह ने तुमको प्यार से देख लिया फिर वो मोहब्बत नहीं, फिर वो इश्क है, मैं तेरा और तू मेरा। फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया गर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, अगर इश्क आ गया तो कुफर भी मुसलमानी है ना, और यकीन कर उस वक्त अगर तू किसी मज़हब में भी नहीं है, इश्क आ गया तेरे अंदर, तू इन सब मज़हब वालों से बेहतर है जिनमें इश्क नहीं है, वो तेरे तक सब मिलके भी नहीं पहुंच सकते जिनमें अल्लाह का इश्क नहीं है। तो इसका तरीका, अब इसका तरीका भी होता है, कोई भी मजहब से है, किसी भी फिरके से, उसे मतलब भी नहीं है, मतलब है उसमें इश्क है, हर मजहब अल्लाह को मानता है, जो सिख है वो भी अल्लाह को मानता है ना, हिंदू है वो भी अल्लाह को मानता है।
ये बुत बुत उसके वसीला है ना, इन वसाइल के जरिए बुतों के जरिए पूजना चाहता है, उनसे हम तकरार करते हैं। क्यों बुत को पूजता, कहता है तू काबे में जाके बुत तो वहाँ पत्थरों को पूजता, ये भी पत्थर के फर्क क्या है इसमें? तो कहता है ना काबे में अल्लाह है, मिला है तुझे काबे में अल्लाह, अगर काबे में यहाँ अल्लाह नहीं तो वहाँ भी अल्लाह नहीं, अगर वहाँ अल्लाह तो नहीं पत्थरों में भी अल्लाह। तो फिर जब उसको सिखाते हैं कि ये तू इश्क की तरफ जा, फिर पता लगता है जब उसके अंदर इश्क आता है ना तो खुद खुद कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। इसका तरीका है रोज़ाना, एक हमें नेवी का कैप्टन मिला जी, कहने लगा मैं 5-6 साल हो गए अल्लाह लिखता हूँ कागज़ के ऊपर, दरिया में फेंक देता हूँ समुंदर में, लेकिन मुझे अल्लाह मिला नहीं। भाई तू समुंदर में फेंकता है ना, बाहर फेंक देता है ना, अंदर ला रहा। भाई लिखा बाहर फेंक दिया, उसे